हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। दिस इज रोशन सर मैक्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, सेकंड क्वेश्चन, इट इज आल्सो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। ए टॉय इज मेड इन द फॉर्म ऑफ हेमिस्फीयर सरमाउंटेड बाय द राइट कोन हूज सर्कुलर बेस इज जॉइंड विद द प्लेन सरफेस ऑफ द हेमिस्फीयर। The radius of the base of the cone is 7 cm and its volume is 3/2 of the hemisphere. Calculate the height of the cone and the surface area of the correct two places. बोल के क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन हमारा हो गया। तो क्या है यहाँ पर, एक खिलौना है, एक कोन के शेप में, ये कोन है, इसके नीचे एक हेमिस्फीयर सरमाउंटेड है, लगा हुआ है, चिपका हुआ है, एक हेमिस्फीयर चिपके हुआ है। ये जो कोन की हाइट है, क्या है यहाँ पे, कोन की हाइट हमको मालूम करना है, फाइंड द हाइट मालूम करना है, कैलकुलेट द हाइट, ये हाइट मालूम करना है। जबकि इन दोनों का रेडियस, रेडियस क्या दे दिया, 7 सेंटीमीटर दे दिया। लेकिन एक क्वेश्चन क्या है यहाँ पर, जो वॉल्यूम है 3/2 टाइम्स क्या है, कोन से ज़्यादा हेमिस्फीयर का। तो इसलिए हम फार्मूला जब यूज़ करेंगे, फार्मूला यूज़ करते वक्त क्या करेंगे, यहाँ पर हम कैसे लिखेंगे, वॉल्यूम ऑफ कोन इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर लेंगे, हेमिस्फीयर कितने टाइम ज़्यादा है क्वेश्चन के अंदर, यहाँ पर 3/2, तो यहाँ पर लिखेंगे 3/2 टाइम ज़्यादा वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर, ऐसा हमको इसको ले सकते हैं, ये हमारा आसानी से आ जाएगा। इसके लिए हम क्या करेंगे, वॉल्यूम ऑफ कोन का फार्मूला हमारे पास 1/3 πr² h है, इज इक्वल टू 3/2 एज इट इज रख के, वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर का फार्मूला भी हम लिख चुके हैं पीजी की क्लास में, 2/3 πr³ है, ये फार्मूला है। अब यहाँ पर क्या करेंगे, πr² πr³ में से एक r गया, तो यहाँ पर क्या बच जाएगा, 1 बच जाएगा। इसी तरह नेक्स्ट 1/3 × यहाँ पर बच गया h, यहाँ पर बचा, यहाँ पर वो क्या बचा, यहाँ पे 2/3/2, ये 2 और 2 कैंसिल, 3 और 3 दोनों भी यहाँ पे कैंसिल कर सकते हैं, तो बच गया यहाँ पर r, ये r बच गया। अब इसको 1/h h/3 इज इक्वल टू r, h/3 इज इक्वल टू, क्वेश्चन के अंदर रेडियस गिवन है, क्या है यहाँ पर रेडियस, 7, तो इसकी प्लेस में हम रख सकते हैं 7 सेंटीमीटर्स। h इज इक्वल टू 3 × 7, उसी तरह h इज इक्वल टू 3 × 7 क्या आ गया, 21, देयरफॉर h इज इक्वल टू कितना आ गया, 21 सेंटीमीटर आ गया। अब इसको हम मालूम क्या करना है, इसके अंदर कर्व सरफेस एरिया ऑफ कोन भी लेना है, कर्व सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर दोनों लेना है, हम सिर्फ हम h मालूम करें, इसलिए सबसे पहले क्या यूज़ करेंगे हम लोग, यहाँ पर कर्व सरफेस एरिया ऑफ कोन लेंगे, कर्व सरफेस एरिया ऑफ कोन πr² पहले से हम लिखते जा रहे, क्योंकि टोटल एरिया ऑफ टॉय मालूम है, पूरा खिलौना मालूम करना है। अब इसको हम सब्स्टिट्यूट करेंगे, पाई 22/7 हो जाएगा, आर क्वेश्चन के अंदर गिवन है 7, हेच हमको अभी मालूम हो गया, हेच मालूम करना, सॉरी इससे पहले हमको यहाँ पर फॉर्मूले में सब्स्टिट्यूट करने से पहले हमको क्या करना होगा, एल मालूम करना होगा, स्लैंट हेड मालूम करना है, जब तक एल मालूम नहीं हो जब तक हम आगे नहीं कर सकते। स्लैंट हेड का फार्मूला क्या था, l² = h² + r², ये फार्मूला है हमारे पास, तो इस ये हम बाद में सब्स्टिट्यूट करेंगे, l² = h² अभी आ गया 21², r² क्वेश्चन में गिवन है 7², l² = 21 को 21 से अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे आ जाएगा 441, 7 हो जाएगा 49, l² = इन दोनों को ऐड करेंगे तो इसका आंसर हो जाएगा 490। अब नेक्स्ट स्टेप में क्या कर सकते हैं हम, l इज इक्वल टू स्क्वायर को रूट बना देंगे 490 का स्क्वायर रूट हमको नहीं आता, पॉइंट में आता, इसलिए इसका स्क्वायर रूट क्या हो जाएगा 22.13, क्या हो गया, ये एल आ गया, क्या आ गया हमको, लेंथ आ गया। अब हम फॉर्मूले के अंदर सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं, इसके लिए हम यहाँ पर सॉल्व करेंगे, यहाँ पर क्या लेंगे, कर्व सरफेस एरिया ऑफ कोन πr² पाई 22/7, आर क्वेश्चन में हमको मालूम है पहले से 7 है क्वेश्चन के, एल अभी हमको मालूम हो गया, एल अभी मालूम हो गया, क्या मालूम हो हमको, 22.13
अब यहाँ पर 7 और 7 कैंसिल हो जाएंगे, 22 × 22.13, इन दोनों का अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर आ जाएगा 486.86 सेंटीमीटर। किसका हो गया ये? कोन का हो गया। अब कर्व सरफेस एरिया ऑफ सेकंड, कर्व सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर भी लेना है, हेमिस्फीयर। इसका फॉर्मूला हमारे पास क्या है? 2πr² है, 2πr². अब हम क्या करेंगे, इसको सब्स्टिट्यूट करेंगे, 2 × π हमको मालूम है 22/7, आर स्क्वायर भी क्वेश्चन के अंदर 7 × 7, डबल 7 × 7, 7 और 7 कैंसिल हो गया, रिमेनिंग 2 × 22 × 7 बच गया, 2 × 7। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, आंसर आ जाएगा 308 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब एडिंग 1 और 2 करेंगे, कोन का और हेमिस्फीयर का दोनों को ऐड कर देंगे तो हमको टोटल एरिया ऑफ द पाई आ जाएगा। तो फर्स्ट आंसर है 486.86 सेंटीमीटर, दूसरा है 308। इन दोनों को ऐड करेंगे, टोटल एरिया ऑफ द टॉय, टोटल एरिया ऑफ द टॉय आ जाएगा 794.86 सेंटीमीटर। इस तरह हम सेकंड क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट एक्सरसाइज 10.3, क्वेश्चन नंबर 3, ये सेकंड वाले का कंटिन्यू है। क्वेश्चन नंबर 3, फाइंड द वॉल्यूम ऑफ द लार्जेस्ट राइट सर्कुलर कोन दैट कैन बी कट आउट ऑफ ए क्यूब हूज एज इज 7 सेंटीमीटर। देखिए एक क्यूब है, ये एक क्यूब हो गया। अब क्यूब के अंदर, क्यूब के अंदर क्या कर रहे हैं, हम एक कोन को कट कर रहे हैं, यहाँ पर से इस तरह एक कोन को यहाँ पर से इस तरह कट कर देंगे, ये हो जाएगा हाइट, ये हो जाएगा रेडियस। तो क्वेश्चन के अंदर क्या दे दिया, एज जो है 7 सेंटीमीटर्स, एज क्या है यहाँ पर 7 सेंटीमीटर, एज माने आर इज इक्वल टू डी बाई टू हो जाता है, डी बाई टू क्वेश्चन में 7 दे दिया, 7/2, और हाइट हो जाता 7 सेंटीमीटर्स, एज माने कोना, क्योंकि डिवाइड हो जाता पूरा यहाँ से यहाँ तक डिवाइड हुआ, हाइट 7 सेंटीमीटर रहा तो हाइट का आधा ये रहता 7/2। अब इसको हम सब्स्टिट्यूट करने के लिए क्या करेंगे, वॉल्यूम का फॉर्मूला लेंगे, वॉल्यूम ऑफ कोन, वॉल्यूम ऑफ कोन 1/3πr² h, ये हमारा फार्मूला 1/3πr² h, ये फार्मूला हम इससे पहले भी याद कर चुके हैं। अब सब्स्टिट्यूट कीजिए, 1/3π 22/7, आर स्क्वायर 7 × 7, 7/2 × 7/2 ऑलरेडी हमको क्वेश्चन में गिवन है, एच 7, 7 कैंसिल हो जाएगा। उसके बाद 2 × 2, 2 × 2, ये दोनों भी कैंसिल हो जाएंगे। क्या बचा हमारे पास, 1 × 11 × 7 × 7 बाई क्या बचा, 3 × 2 बच गया। अब ऊपर वाले तीनों को भी मल्टीप्लाई कर देंगे तो आंसर 539 आ जाएगा, बाय नीचे 3 × 6। अब 539 को अगर 6 से डिवाइड कर देंगे तो 89.8 सेंटीमीटर क्यूब आ जाएगा, ये इसका आंसर। इस तरह हम लोग आसानी से इसको सॉल्व कर सकते हैं। अगर एक्सप्लेनेशन अच्छा लगा हो तो वीडियो को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही बेल आइकन को दबाना न भूलिए ताकि नए आने वाले वीडियोस आप तक जल्दी पहुँचे।